दोस्तों, जब सबसे पहले पैलियंटोलॉजिस्ट ने टेरर बर्ड के स्कल और हड्डियों को एनालाइज किया तो उन्होंने अनुमान लगाया कि कभी इस जीव का वजन 180 किलोग्राम और ऊंचाई 10 फीट रही होगी। अपने कुल्हाड़ी जैसी चोंच से या अपने साइज से छोटे लगभग सभी जीवों को अपना शिकार बना लिया करता होगा। लेकिन अब विशेषज्ञ वास्तव में जानना चाहते थे कि यह पक्षी आखिरकार कितना ताकतवर रहा होगा। फिर एक टीम ने मिलकर पहले टेरर बर्ड के स्कल और बोन्स की गहनता से जांच की और फिर हूबहू उसी के आकार का एक रोबोटिक मेटल टेरर बर्ड बनाया गया। अब एयर कंप्रेसर पिस्टन्स द्वारा इसकी मसल पावर को सिमुलेट किया गया। नतीजे चौंकाने वाले निकले। इस रोबोटिक टेरर बर्ड की बीक फोर्स इतनी थी कि इसने एक बड़े जानवर की बोन स्कल को एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब इस बात में कोई भी शक नहीं रह गया था कि वाकई इस बर्ड को टेरर बर्ड सही नाम दिया गया है। किसी समय जंगल में इसका इतना खौफ रहा होगा कि शेर भी इसे देखकर दुम दबाकर भाग निकलता होगा, क्योंकि इसकी चोंच का एक हमला उन्हें मौत की घाट उतारने के लिए काफी था। इसका आकार इतना बड़ा था कि ये जीवों को साबुत ही निगल जाता होगा। लेकिन समय के साथ ऐसे भयानक पक्षी को भी विलुप्त होना पड़ा।